भैया चलो ना, थोड़ा जल्दी चलो, पापा के घर मुरली शुरू ना हो जाए। चलो चलो जल्दी जल्दी पापा की याद में। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज 7 अप्रैल 2023 की बाप दादा का मधुर महावाक्य है। इस महावाक्य में 5 मुख्य बातें सारा दिन याद रखेंगे, उसके आधार पर पुरुषार्थ करके उन्नति को प्राप्त करेंगे। आज का पहला पॉइंट है डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी कभी भी दुख नहीं देना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए पतितों का संग नहीं करना है, श्रीमत पर ही चलना है, आज्ञाकारी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। तीसरा, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करना, अर्थात 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना। चौथा, हिम्मत रखना है। हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा से मदद मिलते रहेगा। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाबा हाजिर हो जाते हैं। 5वीं बात है, सदा उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। तो डबल अहिंसक बनना है, आज्ञाकारी बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है, हिम्मत रखना है, उमंग उत्साह का पंख से उड़ते रहना है। मैं आत्म ज्योति परमात्मा शिव बाबा का अति प्रिय संतान हूँ, परमधाम निवासी हूँ। मैं आत्मा डबल अहिंसक हूँ, मनसा वाचा कर्मणा मैं किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूँ। मैं सदा सबको सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हूँ। मैं आत्मा बाबा से पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करने लिए मैं सदा पवित्र रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे। मैं आत्मा स्वर्ग का मालिक बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। मैं विजयी रतन हूँ, विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हिम्मत रखने वाले, हिम्मत रखकर बाप से पूरा पूरा मदद प्राप्त करने वाले, बाबा का कार्य में मददगार बनने वाले। मैं आत्मा श्रेष्ठ संकल्प सदा करने वाले, श्रेष्ठ संकल्पधारी हूँ। मैं आत्मा सदा उमंग उत्साह के पंख के साथ रखकर सदा उड़ते रहेंगे और दूसरों को भी उड़ाएंगे, उड़ता पंछी बन जाएंगे। मैं आत्मा डबल अहिंसक हूँ, आज्ञाकारी हूँ, स्वर्ग का मालिक बनने वाले हूँ। मैं हिम्मत रखकर बाबा से पूरा मदद प्राप्त करने वाले, सदा उमंग उत्साह का पंख से उड़ने वाले मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा शिव पिता का संतान और परंधाम निवासी हूँ। मैं आत्म ज्योति हूँ। ओम शांति। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या
कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे सबसे अनोखे सबसे निराले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना कर देने वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।